हे भगवान, एक से पढ़कर एक पागल लोग भरे इस दुनिया में। अजीब सी लड़की है। इस लड़की को छोड़ और उस लड़की के बारे में सोच जो इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की है और जिसे तूने अभी तक अपना नहीं बनाया। अभी की व्हाट इज दिस। बना लेते हैं। बेबी, क्या बात है स्वीटी पाई, आखिर हो क्या गया है तुम्हें जो इतनी सी देर में 6 बार कॉल कर दिया? कॉल तुम्हें 6 बार किया, पर याद तुम्हें 6,000 बार किया, मिस तुम्हें 6 लाख बार किया, लेकिन प्यार तुम्हें 6 करोड़ बार किया। कैसी रही? वाओ, तुम तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? बात पता चल जाएगी तुम्हें। अच्छा सुनो, होटल रोजबर्ड, ठीक 8 बजे तुम मुझे वहाँ मिल रही हो, ओके? होटल रोजबर्ड? कुछ खास है क्या? खास है तो नहीं, लेकिन आई स्वेयर इसे खास बना दूंगा, आई प्रॉमिस। होटल रोजबर्ड, ठीक 8 बजे, ओवर एंड आउट। ओके स्वीटी पाई, सी या। कोई रेडी होने देगा मुझे? अरे अच्छा हो गया जिया जी, आप आ गए। आइए, आजा मिला, आजा। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की दिमागी हालत है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, वो कुछ आए बाय शाय बके जा रही थी, आई थिंक समथिंग सीरियस। विक्की, वो जो कुछ कह रही है एकदम सच कह रही है। सच? हाँ, मतलब सच में वो एक जीनी? हाँ विक्की, सचमुच में वो एक जीनी है। इनफैक्ट मैं भी एक जीनी हूँ। हम दोनों बहनें जिनलैंड से यहाँ पर आई हैं और वो तुम्हारे साथ इसी घर में रहती है जो तुम भूल गए हो। सुना वेला, सुना। अरे बचपन में याद है हम लोग वो कहानियां देखते रहते थे ना, वो क्या था, एक आई ड्रीम समथिंग समथिंग समथिंग। विकी, विकी, मैंने सुना मेरे भाई, लेकिन तू भी सुनना। क्या? ये जो कह रही है वो सच में सच है। या? अच्छा, एक मिनट, एक वेला, तू यहीं रुक, जस्ट स्टे देयर। मैं भी आया। तुझे क्या हो गया? एक मिनट मेरे भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? स्टे देयर, स्टे देयर। अरे तू इनके साथ मत रहे, पागल हो जा। रुकना भाई, आप यहाँ किताब लिखने के लिए आए ना? समझा, तो आप ये रिसर्च करने के लिए यहाँ आई है कि आपकी इन बेहुदा बातों पर हम पायलट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। और उस बात में आपने अपनी बहन को भी शामिल कर दिया। व्हाट अ स्क्रीन प्ले, क्या बात है। मैडम, आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ जो आपकी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? जीनी लैंड की जीनी, क्या कोई टीवी शो है? विकी, पर सचमुच ये सच है। मैं और जीनू दोनों जीनी हैं। हम लोग जिन लैंड से आए हैं और हम लोग जादू भी कर सकते हैं। हम कभी भी गायब हो सकते हैं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तुम पर बहुत बार जादू भी किया है। एक बार तो मैंने तुम्हें तोता भी बना दिया था। तोता नहीं, तुम दोनों बहने मिलकर मुझे खोता बना रही हो, गधा। एक मिनट, तुम गायब हो सकती हो ना? हाँ। सच्ची? ऑफ कोर्स। गायब होके दिखाओ ना। और इस 3 घंटे में तुम में से कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर मैं तुम पर यकीन करूंगा। होना होना, प्लीज प्लीज। विकी, मैं 1 सेकंड में गायब हो सकती हूँ, पर फिलहाल मैं ये नहीं कर सकती। वैसे अंदर की बात बताऊं? हाँ। मैं भी सुपरमैन हूँ, उड़ सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं उड़ सकता क्योंकि आई डोंट हैव माय कॉस्ट्यूम्स। विकी, ये देख, ये देख, ये देख, अभी तुझे सब याद आ जाएगा। जस्ट जस्ट डा 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 डा। ये देख, ये बॉटल याद है तुझे? वो जब तेरा प्लेन क्रैश हुआ था, तुझे समुद्र के किनारे मिली थी, इसे तू अपने साथ लेकर आया था। जीनी इसी में रहती है, रिमेंबर? शाबाश फिलू, शाबाश। और मैं इस किताब में रहती हूँ। वाह, वो इस बोतल में रहती है, ये इस किताब में रहती है। वैसे आप दोनों के रहने के लिए एप्ट जगह पता है क्या है? पागल खाना। विकी, एक मिनट, तेरा लंगोटिया यार हूँ यार, तेरा चड्डी बड्डी।
मुझ पे तो भरोसा कर मेरे भाई। याद कर यार जीनी, जो तुझसे बहुत प्यार करती है, भूल गया तू? अगर इस दुनिया में कोई लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर मैं भी किसी से बहुत प्यार करता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया है। जिसे मैं आज प्रपोज करने जा रहा हूं। प्रपोज, प्रपोज तो आप समझती होगी। मिला? होटल रोजवर्ड में ठीक 8 बजे। अरे बाप रे, माय गॉड, आई एम ऑलरेडी लेट। देखिए, वैसे ही आप दोनों ने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया है। हाँ, मुझे जाके तैयार होना है। I'll see you later. Villa, जब तुम बाहर जाओगे ना, तो बाहर से दरवाजा बंद कर देना। Bye bye. Excuse me. Ricky. Bye. Ricky. Bye. चूचू, आप मेरा प्यार भूल के स्वीटी पाई को प्रपोज नहीं कर सकते। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब आखिरी डाव मुझे खेलना ही होगा। चतुर बाबू को बुलाती हूँ, वो ही इनको समझाएंगे कि मैं इस घर में उनके साथ रहती हूँ। यार, अरे हम चाय का प्याला अपने घर में उठाया और पी के आ रहा है। केनो केनो, तुमसे क्या पूछता है? बैठ के बाबा, बैठ के बाबा, उधर बैठ के बाबा। तुलजी, व्हाट इज दिस? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ये बात तुम हमसे नहीं पूछो, पूछना है तो अपना भूत से पूछो जो इधर रहता है। हम अच्छा भला अपने घर में बैठा चाय बिस्कुट खा रहा था मायरी, उसने हमको वहां से गायब किया और इधर प्रकट करवा दिया। बोलो, गायब कर दिया? अगे फिर प्रकट कर दिया? अगे हो गया। अरे तुम हमारा बात पे यकीन क्यों नहीं करता है? ठीक है, इनसे पूछो कि हम दरवाजा से नहीं आया है, खिड़की से नहीं आया है, अरे हम इधर प्रकट हुआ है मायरी। अरे बोलो ना, प्रकट हुआ है मायरी? चतुर जी, व्हाट इज दिस? व्हाट इज व्हाट? आप भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए? शामिल हो गया? मैंने क्या गैंग खोला है तुम? ओ समझा, अब ये कहानी यही खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, वही तो हम पहला दिन से बोल रहा है कि भूत की कहानी खत्म करनी पड़ेगी। ओ स्टॉप इट! अरे क्या नो माने स्टॉप इट? क्यों स्टॉप इट? अरे तुम अपना भूत को अपना घर में रखो बेके बाबा, आजकल ऑफिस में भी जाके डिस्टर्ब करते हैं। की जानी नाम है इधर की? जिन्नू। है जिन्नू। What nonsense is this? माने की? मैंने की? मैंने ये कि आप लोग यहाँ से जाते या मैं यहाँ से जाऊँ? क्या करना है? What? ना माने? एक मिनट। देखिए मेरी भाई, मेरी बात का यकीन कर यार, बिल्कुल यकीन कर, मैं तेरा दोस्त हूँ भाई। ए? ठीक है, कर लिया। कर लिया। Very good. फिर तो चाय पी सकते हैं बैठ के। अरे भाई दोस्त होते किसी में? बैठ क्यों रहे? चाय पियेंगे? चलते चलते चाय पीते। ये भी ठीक है। It's good for digestion. आप भी? Yes, yes. तू क्यों बैठा है? तूने तो बोला। आजा हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा। है। चलो। सबसे पहले तो आप निकलो। ए किन्होंने? आप लड़की है ना, तो मैं आपको भी धक्के दे देता। जाइए। पहले वो भूत लड़की घर के अंदर लेके जाता है, फिर ये लड़का घर के बाहर धकेल देता है मायरी। Nonsense. I'm getting late. अब क्या होगा? होगा क्या? प्रपोज होगा शादी के लिए। इससे पहले कि विकी प्रिया को प्रपोज करे, हमें फटाफट कुछ सोचना होगा। उसे होटल रोजबर्ड पहुंचने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा। हाँ जीनू, और 9 बजे तक तो ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाएगा। 7 तो बज चुके हैं। तो इतने कम टाइम में मैं क्या करूंगी और कैसे करूंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू एक काम कर, तू प्रिया के पास जा और कैसे भी करके उसको रोकने की कोशिश कर, और हम दोनों यहाँ पर कुछ सोचते हैं। तो जल्दी कर, जा। ओके बाय। आप जितनी सुंदर हैं उतनी इंटेलिजेंट भी हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स, रेयर कॉम्बिनेशन। वेला, ये समय इन बातों का नहीं है। ठीक है, तो फिर कभी बात कर लेंगे। कमिटमेंट याद रखिएगा। Thank you.
बात है। कितने महीनों बाद मेरा प्यूरीफायर मुझसे बिल्कुल पहले जैसी स्वीट स्वीट बातें कर रहा है। अच्छा, स्वीटी पर बड़ा स्वीट स्वीट कर रही है। अभी इसके स्वीट को मैं नमकीन करती हूँ। वैसे जो मैं कर रही हूँ मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है, पर वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। Everything is fair in love and war. कहाँ जाए? ये आवाज कैसी? लगता है कोई अपने होम थिएटर पे हॉरर फिल्म देख रहा है। हॉरर मूवी? स्वीटी पाई, क्या आइडिया दिया है। चलो स्वीटी पाई तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी यहाँ इसी वक्त इस कमरे में मैं हॉरर मूवी दिखाऊंगी। ओके? कितनी बड़ी डरपोक है, अब मैं इसे और डराती हूँ। भाई अभी तो और डरना बाकी है। यहाँ का तो मैं सब कुछ संभालूंगी, बस मैं ये होप करती हूँ कि वीदू और वेलू वहाँ रेस्टोरेंट में सब कुछ संभाले। अब मैं क्या करूँ? आइडिया। यस डार्लिंग, डार्लिंग मैं निकल चुका हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। मैं बस स्टॉप पर हूँ। टेबल फॉर टू? नहीं, टेबल नहीं, वो सेज। अच्छा, आप स्टेज पर बैठेंगे? स्टेज पे क्यों बैठेंगे है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो स्टेज किसके लिए है? यहाँ कोई शो वगैरह होते हैं क्या? देखिए, हमारा होटल है, यहाँ पर हर रोज शाम को शोज होते हैं। आप बैठिए और शो देखिए। एक्सक्यूज मी, ये शो करने वाले लोग कहाँ हैं? ग्रीन रूम में तैयार हो रहे हैं, आप लोग बैठिए। देखिए भाई साहब, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। आप प्लीज, अगर आपको और कुछ पूछना ना तो मेरे मैनेजर आते होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। ओके, आप जाइए, आपके पास छूट जाएंगे। चलो बैकस्टेज। अरे वो लोग खुद आके स्टेज पे शो दिखाएंगे, हम बैकस्टेज क्यों जाएं? क्योंकि दिमाग से पैदल वेलू हूँ। That's not fair. Okay, I take my words back. पर ना, हम यहाँ पर शो देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ शो दिखाने के लिए आए हैं। तो अब चले। वाह। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। क्यों? तुम क्या कहती हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जिन लॉर्ड, चलो बैकस्टेज समझाती हूँ। तो प्यार से समझाओ ना, मैं समझ आऊंगा। मैं गुड स्टूडेंट। या आई विल ट्राई इट नेक्स्ट टाइम। हां, यू आर कैन। जाना मुझे चीनी। हाँ भाई चीनी, तुमने सारी खुशी दूर चली गई थी, दुनिया से बहुत दूर। राम, मैं वापस आ गई हूँ। जो मेरा है
हासिल करके रहूंगी। और तू भी मुझे नहीं रोक सकती। तुम जब ये जादू करती हो ना जिया, बाय गॉड मेरा जिया मचल जाता है। वीलू, तुम कहो तो तुम्हें भी गायब कर दूं? अरे यार तुम बुरा क्यों मान जाती हो? आदत डाल लो अब। ओके 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 ओके, दीदी को सब कुछ वापस याद दिलाना है ना, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ओके। आप दोनों कौन हैं? और बॉस्को और टीना कहाँ हैं? टीना की जो आंटी है ना, उनको बुखार हो गया। और जो बॉस्को है उसके अंकल को ऑब्वियसली जुखाम हो गया। अच्छी, अच्छी। अरे भाई बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे शो का क्या होगा? अरे पर हम दोनों है ना, रॉस्को और रीना, इसीलिए तो हम दोनों को बुलाया है उन्होंने। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका शो ऐसा होगा कि आप बस याद रखेंगे। मैं तो याद रखूंगा, लेकिन आप लोग भी याद रखिएगा कि ठीक 9 बजे मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, इसलिए आप लोग का शो ठीक 9 बजे खत्म हो जाना चाहिए, समझे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 9 बजे से पहले शो खत्म होने की जल्दी आपसे ज्यादा हमें होगी। ठीक है ठीक है, वो कौन? वैसे वीला, अगर 9 बजे से पहले विक्की को कुछ याद नहीं आया ना, तो उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। अरे प्लीज यार ऐसा मत बोलो, प्लीज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम हो ना, मतलब हम है ना, हो जाएगा। Excuse me, table for two. There? Yeah. प्रिया को प्रपोज करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.